हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिजर्विंग डिजिटल एविडेंस। सो डिजिटल एविडेंस जो होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। सबसे पहले तो क्या प्रिजर्व करना होता है, प्रिजर्विंग वोलाटाइल डेटा। तो वोलाटाइल डेटा क्या होता है, जो डेटा टेम्पररी होता है, दैट इज टेम्पररी स्टोरेज पे होता है, उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल डेटा। जैसे कि रैम में जो डेटा होता है, या फिर कैशे मेमोरी में जो डेटा होता है, या ऑनबोर्ड मेमोरी सिस्टम पेरिफेरल्स में जो डेटा होता है, उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल डेटा। सो व्हेन द सिस्टम इज पावर्ड ऑफ और इफ द पावर इज डिस्टर्बेड, दिस डेटा डिसअपीयर्स। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क इमेजिंग डिस्कस करते हैं। डिस्क इमेजिंग क्या होता है? डिस्क इमेजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डिस्क। इमेजिंग इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्क क्लोनिंग और घोस्टिंग, बट द लेटर टर्म यूजुअली रेफर्स टू इमेजेस क्रिएटेड फॉर पर्पज अदर देन एविडेंस प्रिजर्वेशन। सो एनालिसिस पर्पज के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ओरिजिनल डेटा है वो ट्रांसपोर्ट कॉपी किया जाता है और उसके कॉपी पे वर्क किया जाता है बाय द इन क्राइम्स एंड टेक्नीशियंस इन देयर ओन लेबोरेटरी। तो उसके लिए डेटा को कॉपी करना होता है, तो डेटा एग्जैक्टली प्रॉपर वे में कॉपी होना चाहिए, इसके लिए डिस्क इमेजिंग करते हैं। सो डिस्क इमेजिंग इज नथिंग बट कॉपिंग, मेकिंग द कॉपी ऑफ द डिस्क ऑन सम अनदर डिस्क। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्नैपशॉट टूल्स एंड फाइल कॉपिंग। समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल और डिजायरेबल टू मेक अ फुल बिट स्ट्रीम इमेज ऑफ डिस्क। सो एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉपी द डिस्क, पूरी डिस्क को इमेजिंग करना या कॉपी करना पॉसिबल नहीं होता है। सो इन दैट केस आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट फाइल्स है वो प्रॉपर वे में कॉपी करने होते हैं, तो उसके लिए कुछ स्नैपशॉट टूल्स यूज होते हैं। However, there are still ways to collect data about the intrusion or other crime for the purpose of analyzing what has happened and preventing it from happening again. The software tool designed to avoid administration to create a snapshot of the state of the machine that has been compromised in the Corners toolkit written by authors of the popular Unix utility called System Administrator Tools for Analyzing Networks. Running these tools on Unix system that has been breached is very helpful in performing a forensic analysis, because it will provide information on running processes, the state of the network, deleted files, user information and much more. So ऐसे केसेस में जहाँ पे हमें सर्च करना है कि नेटवर्क का स्टेट कैसा है, डिलीटेड फाइल्स कौन से है, कौन से यूजर्स ने सिस्टम को यूज किया है, इसके लिए स्नैपशॉट टूल अवेलेबल है, और या फिर अनदर टूल्स आर अवेलेबल विच कैन बी यूज फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पज। सो ये हो गया स्नैपशॉट टूल्स एंड फाइल कॉपिंग। देन नेक्स्ट केस इज द स्पेशल कंसिडरेशन। सो और क्या चीजें कंसिडरेशन में लेनी है बिफोर प्रिजर्विंग द डिजिटल एविडेंस? तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो डिजिटल एविडेंस ऐसे आपको ऐसे प्रिजर्व करना है सो दैट इट शुड नॉट बी एनवायरमेंटली डैमेज। एनवायरमेंटली डैमेज मीन्स वॉट? वाइल ट्रांसफरिंग द डिजिटल एविडेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज फ्रॉम द इंसिडेंस टू द लेबोरेटरी टेक्नीशियंस लेबोरेटरी, इट शुड बी properly transported so that it should not be corrupted because of the environmental factors like temperature or magnetic induction. So iske liye proper care lena important hai. Then retaining time and date stamps. So investigation purpose ke liye evidence kab collect kiya tha, evidence कहाँ से कलेक्ट किया था, कौन से टाइम पे कलेक्ट किया था, और कौन से इंसिडेंट से रिलेटेड इवेंट कौन से इंसिडेंट से रिलेटेड एविडेंस है, वो सब डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना इम्पॉर्टेंट है। सो दैट इज रिटेनिंग टाइम एंड डेट स्टैम्प्स ऑफ द एविडेंस, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिजर्विंग डिजिटल एविडेंस।
सो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जो डिजिटल एविडेंस हमने कलेक्ट किया है उसको प्रिजर्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वोलेटाइल डेटा को प्रॉपरली प्रिजर्व करना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दैट डेटा इज टेम्पररीली अवेलेबल एंड नेक्स्ट इज डिस्क इमेजिंग। सो एक ऑप्शन है कि आपको होल डिस्क कॉपी करना है फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर सो दैट इट विल बी यूज बाय द साइबर क्राइम टेक्नीशियंस फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पज इन देयर ओन लेबोरेटरी। समटाइम इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू कॉपी द होल डिस्क। सो ऐसे केसेस में जैसे आपको डिलीटेड फाइल्स ढूंढने हैं या नेटवर्क का स्टेटस फाइंड आउट करना है या यूजर इन्फॉर्मेशन जनरेट करनी है या फिर कुछ फाइल्स का स्टेटस आपको एनालाइज करना है तो ऐसे केस में कुछ स्नैपशॉट टूल्स या अदर टूल्स होते हैं जिसका यूज करके आप आपके डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज स्पेशल कंसिडरेशन विच इंक्लूड्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स। Environmental factors should not damage the digital evidence. And last one is retaining time and date stamp. So data जो evidence जो collect किया है उसका date और time जो है वो properly document किया जाना चाहिए so that it will be act as a helpful thing while investigating the case. So that's all for this video. Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe to see more videos on this topic.